हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, बट मैंने आज तक अपने चैनल पे सांभर पाउडर का रेसिपी नहीं डाला है। आज मैं आपके लिए सांभर पाउडर का रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला था कि सांभर पाउडर का रेसिपी आप शेयर करिए। तो देखिए, सांभर वैसे साउथ इंडिया का है, बट आजकल सांभर इतना कॉमन और पॉपुलर रेसिपी हो गया है, पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बल्कि रेस्टोरेंट में भी जाकर हम लोग इडली सांभर, वड़ा सांभर, पोंगल सांभर वगैरह खाना पसंद करते हैं। बहुत ही बेसिक रेसिपी है ये। अगर आपने एक बार ये मसाला बना लिया तो आप 2 से 3 महीने बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर पे आप इसको स्टोर करिए और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ज़रा देर नहीं करते, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अपना सांभर पाउडर बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और पैन को आपको लो मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कश्मीरी चिली, साबुत कश्मीरी चिली है, आप देख सकते हैं ये 20 लिए हैं मैंने। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सांभर को। तो यहाँ पर मैंने 20 लिया है कश्मीरी चिली, उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है लो मीडियम फ्लेम पे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए इन साबुत मिर्चों के ऊपर जो पोषण होता है इसको आपको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, हटाना नहीं है, वरना क्या होगा ना, जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, तो अंदर से सारे बीज बाहर आ जाएंगे और आपके बीज सारे जल जाएंगे और इसका टेस्ट फ़र्क हो जाएगा। तो कभी भी, जब भी आप मिर्च को भूनते हैं, मिर्च के ऊपर के पोषण को कभी नहीं हटाना चाहिए। फ्लेम को आपको लो और मीडियम पे ही रखना है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी चीज़ ड्राई रोस्ट करें, कभी भी उसके लिए नॉनस्टिक पैन नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, हमारे नॉनस्टिक पैन में स्क्रैचेस आ जाएंगे और हमारा पैन ख़राब हो जाएगा। या तो आप कोई भी पुराना पैन जो आप ज़्यादा यूज़ ना करते हो, या फिर एल्यूमिनियम के पैन होते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर कास्ट आयरन की लोहे की कढ़ाई, आप उन सब में इसको ड्राई रोस्ट करिए। तो इसको ड्राई रोस्ट होने में 2 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि हमारा जो फ्लेम है उसे हमने कम पे रखा हुआ है, लो और मीडियम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा वरना मिर्च सारी जल जाएगी आपकी। तो देखें, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट हो रहा है ये। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना कि ये जो मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें, वो फूलने लगेंगी। जब भी फूलने लगेंगी तो इसका मतलब है आपकी मिर्च बहुत अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये फूलना शुरू हुआ है, पफ करना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट और भून लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारी सारी मिर्च आप देख सकते हैं फूल गई है, बढ़िया हो गई है, अभी बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग पैन से निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए इसे पैन से निकाल लेते हैं। अब मैं देखें यहाँ पर डाल रही हूँ नॉर्मल रेड चिली, जो तीखी होती है ना, ये वो है नॉर्मल रेड चिली। इसको भी मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसमें भी मैंने 30 रेड चिली ली है मैंने यहाँ पर साबुत, उसको भी आपको सेम प्रोसीजर से ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखिएगा और मिर्च वगैरह ड्राई रोस्ट करते वक्त कंटिन्यूसली चलाते रहिए। देखिए, यहाँ पर सारी मिर्च ड्राई रोस्ट हो गई हैं, सारी मिर्चें फूल गई हैं, मैंने इनको पैन से निकाल लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पर साबुत धनिया डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहिए। इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा, हल्का सा डार्क होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका धनिया रोस्ट हो गया है, आप एक धनिए का बीज उठाइए और उसे दबाइए तो वो क्रिस्पी तरीके से टूटेगा, तो इसका मतलब हमारा जो धनिया है वो रोस्ट हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो चलिए अब इसे पैन से निकाल लेते हैं, पर आपको जब भी फ्राई करेंगे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है धनिए को, वरना जल जाएगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर चने की दाल डाल रही हूँ। तो ये वो दाल है जिसे हम लोग पकाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, जैसे ये वो है, चने की दाल है ये 4 टेबलस्पून। इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम पूरे प्रोसेस में आपका लो और मीडियम पे होना चाहिए, लो और मीडियम के बीच में होना चाहिए। अगर आप मीडियम फ्लेम पे इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे तो क्या होगा ना, ऊपर से तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा पर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर चने की दाल रोस्ट हो गई है, तकरीबन मेरे को यहाँ पर 2 मिनट लगा इसको रोस्ट करने में। इसे पैन से निकाल लेते हैं अब हम। तो अब मैं डालने जा रही हूँ नेक्स्ट उड़द की दाल, जिसे हम लोग इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, ये वो दाल है उड़द की दाल, ये साबुत है, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर मैंने
ढाई टेबलस्पून मतलब 2.5 टेबलस्पून लिया है। इसे भी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे, देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो चलिए अब इसे पैन से निकाल लेते हैं। तो अब देखिए मेन इंग्रेडिएंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सांबर पाउडर का है वो है मेथी दाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है 2 टीस्पून। मेथी दाने का जो मेजरमेंट है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो ये कड़वा हो जाएगा आपका पाउडर, और कम लिया तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो 2 टीस्पून बिल्कुल करेक्ट है इस मेजरमेंट के लिए। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो गया, कलर चेंज हो गया है। इसे पैन से निकाल लेते हैं। तो इसको ड्राई रोस्ट करने में मेरे को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा है। ध्यान रखिएगा फ्लेम के ऊपर होता है, अगर आपका फ्लेम कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका फ्लेम ज़्यादा है, ज़्यादा हाई पे है तो बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट होता है, और जब ये ड्राई रोस्ट होता है तो इसमें से आवाज़ आती है, जैसे चटकती हैं तो आवाज़ आता है। तो देखिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो गया, तो इसे अब मैं पैन से निकाल लेती हूँ। ज़्यादा जलाइएगा मत किसी भी इंग्रेडिएंट को। तो यहाँ पर अभी हमारा मेथी दाना भी ड्राई रोस्ट हो गया है। तो अब हमारा एक और मेन इंग्रेडिएंट, सांबर पाउडर में सबसे ज़्यादा 2 ही मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो मेथी दाना और एक होता है ये हींग। आप सोचेंगे ये कौन सा हींग है, ये कंपाउंड हींग होता है, मतलब ये बार होता है, जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं वो पाउडर होता है। बट अगर आपको एक्चुअल टेस्ट चाहिए सांबार का तो आपको ये डालना पड़ेगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये आप देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये कैसा गोंद टाइप का टेक्सचर है इसका, एक थोड़ा चुई टाइप का होता है इसका टेक्सचर। इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से पड़ा है, इसको अभी हमें हार्ड करना है। जब ये ड्राई रोस्ट होगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से हार्ड हो जाएगा, और तभी ये मिक्सी में पिस सकता है। अगर इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे अगर आप इसको पीसने जाएंगे ना, ये मिक्सी में पिसेगा नहीं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसे चलाते चलाते। तो यहाँ पर हींग मैंने 30 ग्राम्स लिया, ये जो मेजरमेंट है वो 30 ग्राम्स है। अगर आपके पास ये वाला हींग नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 टेबलस्पून हींग का पाउडर लिएगा, एसाफोटिडा का पाउडर लिएगा 1 टेबलस्पून। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस हींग का साइज़ पूछेंगे तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो काला अंगूर होता है ना, ये उस साइज़ का है, उसका साइज़ आपको पता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसी साइज़ का लिएगा। 30 ग्राम्स है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अपने सांबर पाउडर में। केरला वगैरह में पाउडर हींग कम यूज़ किया जाता है कंपेयर टू दिस, ज़्यादातर लोग यही हींग खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाउडर हींग। अगर आप पाउडर हींग ले रहे हैं तो उसको तकरीबन बिल्कुल 1 मिनट तक ही ड्राई रोस्ट करिएगा, बिल्कुल जलाइएगा नहीं, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है तो वो बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो गया है अच्छी तरीके से, मैं इसका साउंड सुनाती हूँ आपको, तो आपको पता चल गया होगा ये ड्राई रोस्ट हो गया। इसको ड्राई रोस्ट होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे पैन से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ चावल, ये नॉर्मल चावल है जो हम लोग घर पे बनाते हैं, ये वो चावल है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चावल लिया जिसे आपको ड्राई रोस्ट करना है। मैं यहाँ पर चावल इसलिए ले रही हूँ ताकि हमारे सांबर को एक थिकनेस मिले, एक थिकनेस के लिए हम लोग यहाँ पर चावल डाल रहे हैं। चावल जब भी आपको पता होगा, चावल का पाउडर आप किसी भी चीज़ में डालेंगे, लिक्विड चीज़ में, तो वो थिक कर देती है, थिकनिंग एजेंट होती है। तो यहाँ पे इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और हल्के से जो चावल है यहाँ पर पफ हो गए हैं। तो इसे भी अब हम लोग पैन से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ आप ड्राई रोस्ट करिए उसे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है, छोड़िएगा मत वरना वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर चावलों को निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ करी लीव्स। तो ये साउथ इंडियन सांबर रेसिपी है तो करी लीव्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिंग करी लीव्स के लिए हैं। करी लीव्स का पानी बिल्कुल ही ड्राई आउट हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। करी लीव्स को ज़्यादा मत डालिएगा वरना इसका फ्लेवर ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा हमारे सांबर पाउडर में। आप इसका साउंड सुन सकते हैं, तो हो गए ना ये कितने क्रिस्पी हो गए। इनको ज़्यादा मत डालिएगा, 2 स्ट्रिंग काफ़ी होगा। इन्हें पैन से निकाल लेते हैं। गैस को अब मैंने कर दिया है ऑफ, और लास्ट में अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर।
इस हल्दी पाउडर को भी आपको ड्राई रोस्ट करना है, भूनना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट और ये पाउडर फॉर्म में है तो ये बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो इसको एक मिनट भी नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा कंटिन्यूसली ऐसे आपको मिक्स करते रहना है, वरना हल्दी हमारी जल जाएगी। तो इसे पैन से निकाल लेते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर अब हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स सांबार के ड्राई रोस्ट बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, मिक्सी का बड़ा जार लेना है, बड़े जार में ही आप इसको ग्राइंड करिएगा। बड़ा जार लेंगे और जार आपका बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला, कहीं पर भी कोई भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए पानी का। अगर आपका पानी है तो आप उसको अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से सोख करके या तो धूप में रख दीजिए आधा घंटे के लिए, या फिर गरम जो बर्नर होता है ना, जैसे आपने कुछ भी बर्नर पे जलाया है या फिर गैस बंद कर दिया है, उस गरम के ऊपर आप इसको हल्का सा रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ही ड्राई आउट हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका ग्राइंडर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग इन्ग्रीडियंट्स डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितनी भी सूखी मिर्चें थी ना, साबुत मिर्चें, काश्मीरी चिली और दूसरी मिर्च, मैंने वो दोनों को इसमें डाल दिया है। हम एक साथ ही सब कुछ ग्राइंड करेंगे, अलग अलग ग्राइंड नहीं करेंगे। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ उड़द की दाल और चने की दाल, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था, एक ही बोल में डाल लिया था, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं सारे ही इंग्रेडिएंट्स, हम एक साथ डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए हैं जो रोस्ट करके रखे थे, कितना अच्छा कलर आया है उसमें, करेक्ट तरीके से पफ हो गए हैं। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया भी डाल दिया है, आप बड़ा ग्राइंडर ही लिएगा क्योंकि काफ़ी सारा क्वांटिटी है। हींग आप देख सकते हैं, हींग मैंने डाल दिया है, बिल्कुल अच्छा हार्ड हो गया तो बहुत आसानी से वो ग्राइंड हो जाएगा। अब जो बाकी आइटम्स थे, मेथी दाना, करी लीव्स है और हमारी हल्दी जो है वो सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पीसना है, बिल्कुल फाइन एक पाउडर के रूप में आप ले आइए। बीच बीच में रुक रुक के आप चेक करिएगा, स्पून से मिक्स करिएगा, अच्छी तरीके से आपको इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे बीच बीच में चेक भी किया था, स्पून से अच्छी तरह मिक्स भी किया था और बिल्कुल परफेक्टली एक अच्छा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। तो तकरीबन इसका जो ग्राम्स में आप पूछेंगे मेजरमेंट, तो ये 250 ग्राम इतना ही रहेगा, जो हमें मार्केट से जो हमें सांभर पाउडर मिलता है ना उतना ही ग्राम रहेगा ये। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारा सांभर पाउडर बनकर रेडी हो गया है। आप सब लोग इसे बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसमें। अब आपको क्या करना है, इसे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका पहले टेक्स्चर दिखा देती हूँ आपको। एक स्पून से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, परफेक्टली बिल्कुल स्मूथ एक पाउडर बनकर आया है, बिल्कुल भी कोई ग्रैनुल्स या फिर कोई भी पीसेस नहीं है इसमें। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि बड़े ग्राइंडर में ही आपको ग्राइंड करना है, तभी ये परफेक्टली ग्राइंड होकर आएगा। तो यहाँ पर आप सब लोग इसे ट्राई करिएगा, बना के रखिए। इसे स्टोर करना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर लेना है आपको, उसमें इसे डाल देना है और आप इसे नॉर्मल अपने मसालों के साथ रखिए। 2 से 3 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी यूज़ करें बिल्कुल क्लीन और ड्राई स्पून से ही यूज़ करें। बहुत बढ़िया मज़ेदार सा सांभर पाउडर है, पूरा घर अभी मेरा महक रहा है। आप लोग ये सांभर पाउडर बनाइए और इससे आप बहुत टेस्टी यम्मी सांभर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे आपका सांभर। आप सब लोग इसे ट्राई करिएगा, बताइएगा कि आपका ये रेसिपी कैसे आया। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अगली अच्छी सी, आसान सी, बढ़िया सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।